हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का एडवर्ब पार्ट वन डिस्कस करेंगे और इसके जितने भी रूल्स हैं और एग्जांपल सेंटेंस हैं वो सारे हम समझेंगे। चलिए देखते हैं एडवर्ब पार्ट को। देखिए, ये है एडवर्ब की डेफिनेशन। एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब के बारे में आपको इतना समझना है कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों की ही विशेषता बताता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए कि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब यानी क्रिया, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इन तीनों की ही विशेषता बता सकता है, इन तीनों को ही मॉडिफाई कर सकता है, वो होता है एडवर्ब। यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब में ये डिफरेंस है कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जबकि एडवर्ब जो होता है वो वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब या इन तीनों की ही विशेषता वो बता सकता है। अब यहाँ पर यदि आप ये एग्जाम्पल सेंटेंस देखें तो इससे आपको समझ में आएगा कि एडवर्ब किस तरीके से काम करता है। द इकोनॉमिकली वीक सेक्शन शुड बी वेरी ग्रेजुअली अपलिफ्टेड। इसका मतलब है कि इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शंस हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो सेक्शंस हैं, उनको धीमे धीमे ऊपर उठाया जाना चाहिए, ठीक है। ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के थ्रू हम समझेंगे एडवर्ब की पोजीशन इसमें। अब इसमें देखिए, सेक्शंस क्या है, एक नाउन है, सेक्शंस एक नाउन है और सेक्शंस की विशेषता बता रहा है वीक, क्योंकि वीक का अर्थ होता है कमज़ोर, तो वीक सेक्शंस का मतलब हुआ कमज़ोर सेक्शंस, ठीक है। समाज के जो कमज़ोर सेक्शंस हैं उसकी इसमें बात हो रही है। अब वीक क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लगा हुआ है, एक एडवर्ब लगा हुआ है। जो एडजेक्टिव है उसको, उसकी विशेषता बताने के लिए हम हमेशा उसके पहले एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वीक सेक्शन तो हैं, लेकिन ये वीक सेक्शन कैसे हैं, वीक जो है वो कैसे हैं, सोशली वीक है या इकोनॉमिकली वीक है, इकोनॉमिकली वीक है, यानी इस एडजेक्टिव की विशेषता हम इस एडवर्ब के थ्रू यहाँ पर हम बने हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए अपलिफ्टेड क्या है, अपलिफ्टेड एक वर्ब है, लेकिन अपलिफ्टेड कैसे, अपलिफ्टेड की विशेषता कौन सा वर्ड बता रहा है, ग्रेजुअली जो है वो अपलिफ्टेड की विशेषता बता रहा है, तो ग्रेजुअली जो हुआ ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। और ग्रेजुअली भी कैसे, ग्रेजुअली की विशेषता बता रहा है वेरी, ठीक है। तो एक एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है यहाँ पर और इस एडजेक्टिव की विशेषता भी बता रहा है और इस वर्ब की भी विशेषता बता रहा है। तो एडवर्ब जो है ये तीनों ही वर्ड की विशेषता बता सकता है, उन तीनों ही वर्ड्स को वो मॉडिफाई कर सकता है। अब देखिए, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, ये एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। काइंड ऑफ एडवर्ब, देखिए अलग अलग तरीके के एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन इनके नाम याद रखना ना तो पॉसिबल है और ना ही ज़रूरी है। आपको सिंपल बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, क्योंकि रूल्स ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और रूल्स को मैं आपको कॉन्सेप्ट्स की मदद से इस वीडियो क्लास में पूरा समझाऊंगा। तो यदि काइंड ऑफ एडवर्ब की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के अकॉर्डिंग 7 तरह के एडवर्ब्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं वो टाइम बताते हैं, दे आर द एडवर्ब विच टेल अस व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, फॉर एग्जांपल। मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम ऐसे एडवर्ब होते हैं जो किसी एक्शन का टाइम बताते हैं, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, वी शैल मीट यू टुमारो, हम आपसे कल मिलेंगे। तो इसमें जो टुमारो है वो क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो प्लेस के बारे में बताते हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ही लेफ्ट इज बैग देयर, तो देयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का अर्थ होता है तरीका, कि कोई एक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से किसी एक्शन को किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं मैनर। तो एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो तरीका बताता है। जैसे यहाँ पर यदि आप ये सेंटेंस देखें, गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज फैमिली स्टेल्दीली, स्टेल्दीली का मतलब क्या है, स्टेल्दीली का मतलब चोरी छुपे, चुपके से, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, कैसे छोड़ा, चुपके से छोड़ा। तो स्टेल्दीली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ये बताता है कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है,
ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे इसमें वीकली जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, वीकली हुआ, डेली हुआ, मंथली हुआ, ईयरली हुआ, ये हैं आपके एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। जैसे वीकली यहाँ पर है। एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी ये बताता है कि कोई एक्शन कितनी मात्रा में हुआ है। जैसे इनफ है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवर्ब आपको समझना है। देखिए यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है इस टेबल की मदद से, फ्रिक्वेंसी किस एडवर्ब में कितनी फ्रिक्वेंसी होती है। जैसे यदि आप समटाइम्स बोलते हैं तो इसका मतलब है कि वो काम 50% होता है, ठीक है। यदि 100 बार कोई काम को करते हैं तो 100 में से 50 बार वो होता है, उसको हम बोलते हैं समटाइम्स। इसका हिंदी में अर्थ है कभी कभी, ठीक है। ओकेजनली का अर्थ है कि 30% वो काम होता है, 100 में से 30 बार यदि कोई काम होता है तो उस काम को आप बोलेंगे ओकेजनली। और 100 में से 10 बार कोई काम होता है तो उसको आप बोलेंगे सेल्डम, मतलब बहुत कम, ठीक है। हार्डली एवर मतलब और भी कम, यानी केवल 5% ही होता है। और नेवर का मतलब जो कभी नहीं होता, यानी 0%। तो इस टेबल की मदद से आप आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी पोजीशन जो है, इसकी पोजीशन हम समझेंगे कि कहाँ पर ये आता है। नॉर्मली ये सब्जेक्ट के बाद आता है। देखिए इसमें सब्जेक्ट के बाद है, इसमें सब्जेक्ट के बाद है, इसमें सब्जेक्ट के बाद है, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद है, और इसमें भी सब्जेक्ट के बाद है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है ये सब्जेक्ट के बाद, इसको हम यूज़ करते हैं वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। लेकिन इसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम समझते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी तो होता है, लेकिन इसमें दो होते हैं। एक होता है डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी और एक होता है इनडेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि इसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो डेफिनेट है। जैसे आवरली मतलब 24 घंटे में 24 बार, हर घंटे एक बार, ठीक है। डेली यानी एक महीने में 30 दिन, वीकली मतलब एक महीने में 4 बार, यानी इसमें जो फ्रिक्वेंसी है ये डेफिनेट है। एवरी मिनट मतलब हर मिनट, ठीक है। इनडेफिनेट होता है जैसे सेल्डम या ऑलवेज, उसमें फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डेफिनेट नहीं होती। डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डेफिनेट होती है। तो ये सारे जो हैं जितने भी लिखे हैं यहाँ पर, ये डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं। और डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी की जो पोजीशन होती है वो एंड में होती है। जैसे आप यहाँ पर ये सारे देख सकते हैं, डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कॉमनली गो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस लाइक मोस्ट डेफिनेट टाइम एक्सप्रेशन। मतलब डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो होते हैं, ठीक है, ये सारे डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी ये यहाँ पर जितने भी लिखे हुए हैं, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो निश्चित होती है। जैसे यदि मैं बोलूँ ट्वाइस मतलब दो बार, वंस मतलब एक बार, ठीक है, तो इनको हम एंड में लगाते हैं, सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए हैं, मोस्ट बिग बिजनेस सबमिट्स देयर टैक्सेस क्वार्टरली वीकली, एवरी मिनट, एवरी सिक्स मिनट, ये डेफिनेट जो है डेफिनेट एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, इनको हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी में पर्टिकुलरली बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें एडवर्ब की पोजीशन आपसे पूछी जाती है कि एडवर्ब कहाँ पर इसमें लगेगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एक तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में और एक स्पॉटिंग एरर में, ठीक है। तो इस एडवर्ब का ये फर्स्ट पार्ट है। काफ़ी सारे पार्ट इसमें आएंगे और काफ़ी सारी प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगा एग्जांपल सेंटेंसेस की मदद से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से और रियल क्वेश्चंस की मदद से। तो आपको पूरा एडवर्ब जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आप इसकी चिंता नहीं करें। चलिए हम आगे देखते हैं। वी कैन ऑल्सो प्लेस द एडवर्ब एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस फॉर स्टडी इम्पोर्टेंस। देखिए अभी हमने पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जो हैं, जो डेफिनेट एडवर्ब हैं, वो एंड में आते हैं, लेकिन शुरुआत में भी इनको हम लगा सकते हैं यदि हमें इनको इन पर जोर देना है। इनको हम शुरुआत में भी लगा सकते हैं, यानी शुरुआत में या एंड में हम इनको लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। सिंपल रूल्स फॉर एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आर लिस्टेड बिलो विच विल हेल्प टू यूज देम करेक्टली। ऑलवेज यूज एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी टू डिस्कस हाउ ऑफन समथिंग हैपेंस। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि कोई चीज़ कितनी बार होती है, ये तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन अब हम यहाँ पर रूल्स पढ़ते हैं। वेन ए सेंटेंस कंप्राइजेस ऑफ मोर देन वन वर्ब,
इसको मैं आपको इस वीडियो क्लास के एंड में या बीच में आगे अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आप कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें समझें, इसको अभी हम एंड में समझेंगे। तो ये तो आप ऑलरेडी समझ ही चुके हैं कि ऑलवेज का मतलब क्या होता है, 100%, यूजुअली का 90%, नॉर्मली का 80%, ऑफन का 70%, समटाइम का होता है 50%। ये एक्चुअली ये इसकी फ्रिक्वेंसी बताई है कि ऑलवेज में कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, यूजुअली में कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है। नेवर में जैसे 0% है, क्योंकि नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं, और नेवर से मिलता जुलता वर्ड है सेल्डम, ठीक है, क्योंकि नेवर का मतलब होता है 0% और सेल्डम का मतलब होता है केवल और केवल 5%। तो इनकी मदद से हम रूल्स को समझेंगे। ये है एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी में क्या आते हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी में आते हैं वंस इन ए वाइल, कभी कभार, हार्डली एवर, शायद ही कभी, ऑफन, अक्सर, मतलब इनकी फ्रिक्वेंसी जो है वो निश्चित नहीं है, यूजुअली, सामान्यतः, नेवर, कभी नहीं, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी है ये किस में आएगी, ये आएगी इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी में, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी में इनको हम रखेंगे, ठीक है। तो इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी पोजीशन थोड़ी सी अलग होती है, इनको हम एंड में नहीं रखते हैं, इनको हम सब्जेक्ट के बाद रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी यूजुअली पुट द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब अनलेस द वर्ब इज ए फॉर्म ऑफ बी। यानी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी जो है इसको हम वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद रखते हैं, इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, देखिए इसमें भी सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले, सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद वर्ब से पहले। लेकिन इसमें हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इजेमार और वॉजवर यदि आता है तो इजेमार और वॉजवर के बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और इजेमार के बाद आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी, लेकिन मेन जो वर्ब होती है, जैसे इसमें मेन वर्ब क्या है, वर्क, तो इससे पहले आएगी, मेन वर्ब से पहले आएगी और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगी यदि हेल्पिंग वर्ब है तो। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी की, ठीक है। एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रिक्वेंसी जो होते हैं वो सेंटेंस के या तो एंड में आते हैं या शुरू में आते हैं, और एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी जो है वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं, और यदि हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद में इनको हम यूज करते हैं। अब हम यहां पर पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है, ये देखिए आफ्टर द बी वर्ब फ्रॉम व्हेन इट इज़ द मेन वर्ब। देखिए द एम्प्लॉई आर ऑलवेज, आर के बाद लगाया है, आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है और एम्प्लॉई जो है इसमें सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम इसको हमने यहाँ पर लगाया है। ही इज़ ऑलवेज, ही ऑलवेज इज़ नहीं होगा, ही इज़ ऑलवेज होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस करेक्ट है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली मी टू लूज वेट, इस तरीके से ये पोजीशन के रिलेटेड सेंटेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर देखिए, यहां पर सी हैज गॉन, तो इसमें वर्ब में दो पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, तो इसमें मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे। देखिए यहां पर हैव बीन है, यदि हैव बीन आया है तो हैव बीन के बीच में इसको हम लगाएंगे। देखिए इसमें कैन वर्क आया है, यहां पर कैन वर्क, ठीक है, वर्क इसमें मेन वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है, तो ये दो पार्ट है इसके, इसलिए इसमें बीच में हम लगाएंगे। इसमें विल अराइव है तो विल और अराइव के बीच में इसको हम लगाएंगे, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी, और एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रिक्वेंसी जो होती हैं उनको हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन निगेशन मतलब जिनका जवाब हाँ या ना में आता है उनको अफर्मेशन या निगेशन बोलते हैं। जैसे हैज़ ही लेफ्ट द प्लेस, नो ही हैज़न्ट लेफ्ट द प्लेस, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और एक होता है एडवर्ब ऑफ रीज़न, जिसमें हम रीज़न बताते हैं, जैसे देयरफोर होता है, देयरफोर का मतलब होता है इसलिए, जैसे ही देयरफोर decided to be a successful man, और इसलिए उसने decide किया कि वह है एक successful man बनेगा, तो इसलिए इसमें हमने therefore का प्रयोग किया है। therefore
एडवर्ब ऑफ रीजन को भी हम नॉर्मली वर्ब से पहले ही लगाते हैं। चलिए कुछ रूल देखते हैं। और सो एज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री मस्ट नॉट बी यूज्ड एब्सोल्युटली। देखिए स्पोकन इंग्लिश में तो हम ऐसे बोल सकते हैं ही सो रिच, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत है क्योंकि सो जो है वो दैट के साथ जुड़ता है, इसलिए एब्सोल्युटली उसको हम बिना दैट के, एब्सोल्युटली का मतलब है कि बिना दैट के हम इस तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते। ही इज सो रिच या ही सो इंटेलिजेंट, यदि आप ऐसे बोलते हैं तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसका सही जो होगा वर्जन वो होगा ही इज वेरी रिच। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन में क्योंकि इतने सरल सेंटेंस किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। अब देखिए सो के साथ द करेक्ट स्ट्रक्चर इज सो दैट। सो के साथ हमेशा दैट जुड़ता है, सो दैट जो है ये सही कॉम्बिनेशन है। सो दैट के साथ आप और कुछ नहीं जोड़ सकते, या जैसे एग्जामिनर क्या करेगा कि सो दैट के स्थान पर दैट, दैट तो दैट ही रखेगा लेकिन सो के स्थान पर वो दैट कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए ही इज़ दैट इंटेलिजेंट दैट ही डजेंट नीड टू अटेंड क्लासेस। तो यहाँ पर ये दैट जो है ये गलत है क्योंकि दैट का जो कॉम्बिनेशन है वो सो के साथ बनता है, तो इसलिए नीचे वाला जो सेंटेंस है ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही डजेंट नीड टू अटेंड क्लासेस, इसका मतलब है कि वह इतना इंटेलिजेंट है कि उसको क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो के साथ हमने किसको जोड़ा है, सो के साथ ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट, ठीक है, ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट। तो सो के साथ हम दैट को जोड़ते हैं और दैट के थ्रू हम उसकी उसका इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए कि सो के साथ दैट ही जुड़ेगा। अब देखिए एक रूल और है, द एडवर्ब टू शुड नॉट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वेरी और मच। देखिए इसी तरीके से जैसे हमने अभी सो का रूल पढ़ा था उसी तरीके से ये टू का रूल है क्योंकि टू जो होता है ये टू के साथ जुड़ता है, ये टू, ये जो टू है ये जुड़ता है टू के साथ, इसलिए इस टू को हम अकेले हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे शी इज़ टू इंटेलिजेंट, ये स्पोकन इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, ग्रामेटिकली ये गलत है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट कहना सही होगा। और टू का मतलब होता है ज़रूरत से, जैसे यहाँ पर यदि मैं बोलता हूँ शी इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि वह इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। टू बी फूल्ड जो है ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि टू बी के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन होता है, और पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि इसमें जो एक्शन होगा वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, सब्जेक्ट खुद एक्शन नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होगा और उस एक्शन को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। टू बी फूल्ड का मतलब है कि उसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, इसमें दूसरा व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया इसलिए ये जो इंस्ट्रक्शन है, इसलिए ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हुआ आपका पैसिव वॉइस। लेकिन इस टू के साथ इस टू को आप एक्टिव और पैसिव दोनों ही वॉइस में जोड़ सकते हैं। सी इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, मतलब इतनी इंटेलिजेंट है कि उसको फूल नहीं किया जा सकता। इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं शी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट शी कैन नॉट बी फूल्ड। यहाँ पर देखिए सो के साथ हमने दैट को जोड़ा है जो कि करेक्ट है। और इसमें नीचे वाला जो सेंटेंस है शी इज़ टू वीक टू वॉक, वह इतनी वीक है कि वह चल नहीं सकती, तो इसमें भी हमने टू के साथ टू को जोड़ा है। तो नीचे वाला जो सेंटेंस है यानी ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस में है और ये वाला जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, केवल इतना अंतर है, बाकी दोनों में जो स्ट्रक्चर है वो दोनों में सेम है। शी इज सो इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ टू के साथ, यहाँ पर टू के साथ ये टू जुड़ेगा, सो नहीं जुड़ेगा। शी इज टू इंटेलिजेंट टू बी फूल्ड, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट है। कुछ और रूल देखते हैं, मच इज़ यूज्ड विद पास्ट पार्टिसिपल्स, वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल। मच को हम जोड़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल मतलब जिसमें ईडी फॉर्म आती है, जैसे टायर्ड होता है, ठीक है, तो उसके साथ हम मच को लिखते हैं और वेरी को यूज़ करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स के साथ। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आईएनजी फॉर्म, सिंपल अभी आपको समझना है, ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है। ये देखिए द फाइनल मैच बिकेम मच इंटरेस्टिंग, तो इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसलिए हम मच नहीं जोड़ेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे वेरी, ठीक है। और यहां पर हम मच इसलिए जोड़ा है यहां पर हमने क्योंकि ये ईडी फॉर्म लगी हुई है इसमें,
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ईडी फॉर्म के साथ हम मच को जोड़ते हैं। तो ये इतना आप समझिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। अब हम देखते हैं कुछ आगे के रूल। एडवर्ब अकॉर्डिंग टू यूज, ये अकॉर्डिंग टू यूज हैं, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल एडवर्ब होते हैं जिसमें एलवाई लगा रहता है, ग्रेजुअली, वेरी, रैपिडली, इकोनॉमिकली। एक होते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब, हालांकि ये डब्ल्यू एच वर्ड ही होता है, जैसे हाउ हुआ डब्ल्यू एच वर्ड या वेयर हुआ, ठीक है। तो ये तो सिंपल हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, देखिए, इट नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड बट ऑल्सो रेफर्स बैक टू सम एंसीडेंट, सम एंटीसीडेंट। मतलब रिलेटिव एडवर्ब जो होता है वो किसी नाउन के बाद आता है, उस नाउन के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, और इससे पहले जो सेंटेंस दिया रहता है उसका वो रेफरेंस देता है। जैसे यहाँ हम समझते हैं, हाउ कैन आई फॉरगेट द डे व्हेन हैप्पीनेस वॉज सोर्ड ऑन मी फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें व्हेन जो है वो मॉडिफाई करता है फॉरगेट को। हाउ कैन आई फॉरगेट द डे, हाउ कैन आई फॉरगेट द डे, ठीक है, व्हेन हैप्पीनेस वॉज सोर्ड ऑन मी फ्रॉम ऑल साइड। तो व्हेन जो है, ये व्हेन का रिलेशन किससे है, व्हेन का रिलेशन डे से है, ठीक है, और व्हेन जो है वो फॉरगेट को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। हाउ कैन आई फॉरगेट द डे, ठीक है, हाउ कैन आई फॉरगेट द डे, और उस डे पर क्या हुआ था, व्हेन हैप्पीनेस वॉज सोवर्ड ऑन मी फ्रॉम ऑल साइड। तो व्हेन जो है ये डे से भी रिलेटेड है और फॉरगेट को भी मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रिलेटिव एडवर्ब। चलिए आगे देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब। ये यहाँ पर हम कुछ रूल समझेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, एन एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एन एडवर्ब, यानी एडवर्ब के स्थान पर एडजेक्टिव का यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो गलत माना जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, द मून शोन ब्राइट इन द स्काई। तो यहाँ पर शोन क्या है, शोन का मतलब है कि चमकना, शाइन का सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, द मून शोन ब्राइटली इन द स्काई। शोन एक्चुअली वर्ब है, तो इसलिए हम ब्राइट नहीं लगा सकते क्योंकि ब्राइट तो एक एडजेक्टिव हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे एडवर्ब। तो द मून शोन ब्राइट की जगह हम बोलेंगे द मून शोन ब्राइटली, क्योंकि शोन एक वर्ब है और वर्ब को हम मॉडिफाई करेंगे एडवर्ब से, एडजेक्टिव से नहीं, तो एडजेक्टिव ये गलत हो गया। द मून इज ब्राइट, मून जो है वो ब्राइट है, तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि ब्राइट एक एडजेक्टिव है और मून एक नाउन है, ठीक है। आई सॉ अ ब्राइट मून इन द स्काई, मैंने स्काई में एक ब्राइट मून देखा। तो मून क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बताता है, एडजेक्टिव बताता है, इसलिए ये सेंटेंस जो है ये सही है। आगे हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज्ड इन द सेम वे एंड रिटेन देयर फॉर्म व्हेन यूज्ड एज एन एडवर्ब। सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो एडवर्ब दिए हैं यहाँ पर, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह ही यूज़ कर सकते हैं, तो इनको हम एग्जाम्पल सेंटेंस की मदद से इनको हम समझेंगे। सम एडवर्ब हैव टू फॉर्म्स, इन एडजेक्टिव्स की दो फॉर्म होती हैं एक्चुअली, ठीक है, तो इनको भी हम आगे एग्जाम्पल सेंटेंस की मदद से समझेंगे, जैसे लाउड हुआ, क्विक हुआ, हाई हुआ, ठीक है। इन सम ऑफ दीज केसेज द टू फॉर्म्स डिफर इन मीनिंग, जैसे हार्ड होता है, हार्डली होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, शी फाउट हार्डली फॉर द नंबर वन स्पॉट। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इस सेंटेंस का मतलब है कि वह नंबर वन स्पॉट के लिए मेहनत से लड़ी, उसने कड़ी मेहनत की नंबर वन स्पॉट के लिए। तो कड़ी मेहनत के लिए हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वर्क हार्ड, उसी तरीके से होता है फॉट हार्ड, फॉट हार्डली नहीं होगा, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, तो इसलिए हार्डली जो वर्ड है यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होगा फॉट हार्ड, ठीक है। इस तरीके से इनको अलग अलग हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इट हार्ड रेन्ड यस्टरडे, ये सेंटेंस गलत क्यों है, ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कल बहुत ही कम बारिश हुई थी, मुश्किल से थोड़ी सी ही कल बारिश हुई थी, ठीक है। तो मुश्किल से थोड़ी सी के लिए हम क्या बोलते हैं, हार्डली बोलते हैं, हार्ड नहीं बोलते।
इट हार्ड रेन्ड यस्टरडे सेंटेंस जो है वो गलत होगा, ठीक है। यहां पर यदि आप मूसलाधार बारिश की यदि बात करते हैं तो यहां पर आप बोल सकते हैं इट रेन्ड हैवीली, इट रेन्ड हैवीली आप बोल सकते हैं, इट हार्ड रेन नहीं बोलेंगे, हार्ड रेन जो होगा वो गलत होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं ही नेवर कम्स लेट, ही नेवर कम्स लेटली। लेटली क्या होता है, लेटली का मतलब होता है अभी हाल ही में, तो इसलिए लेटली का प्रयोग इसमें गलत है, इसमें हम लगाएंगे लेट, ही नेवर कम्स लेट। अब देखिए प्रिटी जो वर्ड है इसके दो मतलब होते हैं, इसको आप ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिटी का मतलब एक तो सुंदर होता है, ठीक है, और एक प्रिटी का मतलब होता है फेयरली, फेयरली मतलब टू ए सर्टेन क्वांटिटी, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं या यूजुअली बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है प्रिटी का दो मतलब होते हैं, मतलब एक प्रिटी का मतलब होता है सुंदर और एक हम क्वांटिटी के लिए बताते हैं, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, जैसे शी इज़ प्रिटी, ये सेंटेंस सही है, वह सुंदर है। शी इज प्रिटी ड्रेस्ड, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ हम बोल रहे हैं कि उसने सुंदर तरीके से ड्रेस को पहना हुआ है, तो प्रिटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्रिटीली, सुंदर तरीके से, ठीक है। तो इसलिए शी इज़ प्रिटीली ड्रेस्ड कहना सही होगा। अब आप यहाँ पर देखिए यू आर प्रिटीली मिस्टेकन अबाउट हिम, यहाँ पर प्रिटीली का मतलब क्या होता है, प्रिटीली का मतलब होता है सुंदर तरीके से। तो यदि आप इस सेंटेंस का मतलब निकालें तो इसका मतलब निकलेगा कि तुम सुंदर तरीके से गलती पर हो, जो कि गलत होगा। तो इसलिए प्रिटीली ना कहते हुए यहाँ पर आप बोलेंगे यू आर pretty mistaken about him, मतलब तुम गलती पर हो और काफ़ी हद तक, pretty का मतलब हुआ काफ़ी हद तक, ठीक है। एक pretty का मतलब होता है सुंदर और एक pretty का मतलब होता है काफ़ी हद तक, जैसे he is pretty serious, मतलब वो काफ़ी हद तक serious है, या he is pretty this sum is pretty simple, ठीक है, this question is pretty simple, मतलब ये question काफ़ी हद तक simple है। तो एक प्रिटी का मतलब होता है सुंदर और एक होता है काफ़ी हद तक, तो इसलिए यहाँ पर प्रिटीली कहना गलत होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे यू आर प्रिटी मिस्टेकन अबाउट हिम, ठीक है। प्रिटी हेयर मीन्स फेयरली और टू ए फेयर अमाउंट, तो इसको आप ध्यान से समझिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इफ़ द एडवर्ब इज ऑफ वन सिलेबल द कंपेरेटिव इज फॉर्म्ड बाई एडिंग ई आर एंड द सुपरलेटिव बाई एडिंग ई एस टी टू द पॉजिटिव। देखिए इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल रूल है, मैं सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ। जैसे फास्ट है तो फास्ट में एक ही साउंड है, एक ही बॉबल साउंड है, फास्ट आ की साउंड एक ही बार आई है इसमें, ठीक है। सिलेबल का मतलब होता है सिंपल बॉबल साउंड, ठीक है। तो एक बॉबल साउंड है तो उसमें आप ई आर और ई एस टी लगाएंगे, और एक से ज़्यादा बॉबल साउंड है किसी वर्ड में तो उसमें आप मोर या मोस्ट लगाएंगे। इसको इस तरीके से सिंपल तरीके से समझना है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। यदि एक बॉबल साउंड है तो उसमें आप, क्योंकि वो वर्ड छोटा होगा, वर्ड छोटा होगा तो उसमें ई आर या ई एस टी लगाएंगे, वर्ड जब बड़ा हो जाएगा तो उसमें आप मोर या मोस्ट लगाएंगे। अब फास्ट जो है वो छोटा वर्ड है और एक ही साउंड आ रही है इसमें, फास्ट एक ही साउंड आई इसमें, तो इसलिए इसमें आपने मोर लगा दिया, ठीक है। मतलब इसमें आप मोर नहीं लगाएंगे, इसमें आप ई आर लगाएंगे। और यदि बड़ा वर्ड है जैसे ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है तो उसमें फिर आप मोर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द हेयर रैन फास्टर देन द डॉग, तो इसमें मोर फास्ट नहीं बोलेंगे आप, क्योंकि फास्ट सिंगल सिलेबल वर्ड है, यहाँ पर आप बोलेंगे फास्टर देन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है फास्ट इज ए सिंगल सिलेबल वर्ड। अब जो दूसरा देखिए सिया इज मोर ब्यूटीफुल देन अनीता, ये करेक्ट क्यों है, इसमें हम ब्यूटीफुलर नहीं बोलेंगे, इसमें ई आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल इसमें तीन साउंड है, तो इसलिए इसमें हम मोर लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से समझना है इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब एंडिंग इन एल वाई फॉर्म द कंपेरेटिव डिग्री बाय एडिंग मोर एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग मोस्ट, मतलब ऐसे एडवर्ब, देखिए जिस तरीके से हम एडजेक्टिव को कंपेयर करते हैं उस तरीके से हम एडवर्ब को भी कंपेयर करते हैं, और एडवर्ब जिसमें एल वाई लगा रहता है उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, मोर या मोस्ट से। तो इसके हम एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। द पेट्रोल प्राइस हाइक इशू हैज़ बीन डिबेटेड हॉटलियर
देन द यूरिया स्कैम, ये एक अच्छा सेंटेंस है। तो हॉटलियर हम नहीं बोलेंगे, देखिए यहाँ पर एक्चुअली जो एडवर्ब है ये हॉटली है, ठीक है। हॉटली मतलब काफ़ी तेज़ तरीके से, काफ़ी गर्म तरीके से, काफ़ी उत्तेजक तरीके से या एग्रेसिवली इसको इसको डिबेट किया जा रहा है, ठीक है। तो सही जो वर्ड है वो होता है हॉटली, और हॉटली इसमें चूंकि दो साउंड है, एक हॉ और एक ली, दो साउंड है, तो इसलिए इसमें हम ईआर नहीं लगाएंगे, इसमें हम लगाएंगे मोर, ठीक है। इस तरीके से समझना है, और इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में, पर्टिकुलरली एसएससी एग्जाम में बहुत आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेंटेंस है। नेक्स्ट हम सेंटेंस देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको आप एमपीटी रूल के थ्रू आप याद कर सकते हैं। देखिए एक तो होता है एमपीटी रूल, एमपीटी रूल ये है कि यदि एडवर्ब ऑफ मैनर भी आ रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी आ रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी आ रहा है, तो वो एमपीटी के सीक्वेंस में उनको प्लेस किया जाएगा। मतलब पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। तो ये होता है आपका एमपीटी रूल, एडवर्ब ऑफ मैनर पहले आएगा, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। एमपीटी में यदि एडवर्ब ऑफ पी नहीं है, सपोज एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, तो पहले एम आएगा और उसके बाद टी आएगा, इस तरीके से ये आएंगे। और एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को तो हम इस सीक्वेंस में लगाते ही हैं, लेकिन यदि किसी सेंटेंस में वर्ब है तो ये वर्ब के बाद आएंगे, ठीक है। और यदि ऑब्जेक्ट है तो फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद आएंगे। जैसे आप यहां पर देखिए, द सन इज ब्राइटली शाइनिंग, द सन इज ब्राइटली शाइनिंग, तो यहां पर ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि ब्राइटली जो है ये क्या है, सूरज चमक रहा है, लेकिन वो किस तरीके से चमक रहा है, ब्राइटली चमक रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर को हम वर्ब के बाद लगाते हैं। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, इसको हम एंड में यहाँ पर हम लगाएंगे। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, इनको हम वर्ब के बाद लगाते हैं, और यदि उसमें सब्जेक्ट है तो फिर वो उसमें यदि ऑब्जेक्ट है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद वो आएगा। ही रोट लास्ट ईयर अ बुक। अब देखिए ही रोट, इसमें वर्ब क्या है, रोट, ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और लास्ट ईयर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम को हम वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस जो है ये सही है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है। इस तरीके से इनको आपको समझना है। एक तो मैंने एमपीटी रूल बताया है, एमपीटी रूल में एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम, यदि तीन एडवर्ब दिए हैं एक सेंटेंस में, तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा। इस तरीके से इनको हम लगाएंगे और वर्ब के इनको बाद लगाएंगे। वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट भी दिया है तो वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद इनको लगाया जाएगा। किनको? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी बचा, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम के अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, वर्ब के बाद नहीं, सब्जेक्ट के बाद उसको हम लगाते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये देखिए मैंने अभी एमपीटी रूल आपको बताया था, और यहाँ पर एमपीटी रूल पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, आई रीड द प्रूफ यस्टरडे मेटिकुलसली एट होम। तो इसमें यस्टरडे है एडवर्ब ऑफ टाइम है, मेटिकुलसली एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एट होम जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो पहले क्या आएगा? पहले मेटिकुलसली आएगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी पहले मेटिकुलसली आएगा, फिर एट होम आएगा, फिर यस्टरडे आएगा, मैनर, प्लेस और टाइम। तो यहाँ पर आप देखिए, आई रीड द प्रूफ मेटिकुलसली एट होम यस्टरडे, इस तरीके से ये सेंटेंस यहाँ पर सही होगा। ऊपर वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है और नीचे वाला सेंटेंस करेक्ट है। अब हम पोजीशन पढ़ते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड मोस्ट ऑफ द एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी आर नॉर्मली पुट आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, वर्ब के बाद नहीं। एमपीटी जो है वो वर्ब के बाद आता है, ठीक है। एमपीटी जो है वो वर्ब के बाद आता है, यदि उसमें ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। एमपीटी वर्ब के बाद आएगा,
और बाकी सारे सब्जेक्ट के बाद आएंगे। तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, ही कम्स होम ऑफन लेट। तो ऑफन क्या है, ऑफन के थ्रू हम फ्रिक्वेंसी बताते हैं, तो फ्रिक्वेंसी वाले जो एडवर्ब हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस ये सही है। ऑफन जो है ये फ्रिक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इसलिए ये सब्जेक्ट के बाद आएगा, वर्ब के बाद नहीं आएगा। लेकिन इसमें यदि इज़ेमार आएगा तो फिर हम सब्जेक्ट और इज़ेमार के बाद इसको हम लगाएंगे किसको, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को। ही इज़ यूजुअली, ही यूजुअली इज़ नहीं होगा, ही इज़ यूजुअली सीन, ठीक है। तो इसको हम वर्ब से पहले या इधर आप बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको हम लगाएंगे। लेकिन यूज टू और हैव टू से पहले इसको हम लगाएंगे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को। आई यूज टू, अब आप यहाँ पर देखिए आई ऑफन यूज टू, ठीक है। ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। और यदि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाएंगे, बाकी सारी सिचुएशंस में इसको हम पहले ही लगाएंगे। तो यूज टू और हैव टू से पहले इसको लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसमें हम इसको इससे पहले लगाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाई एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, द एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। मतलब एडवर्ब जो है जिस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है उस एडजेक्टिव से पहले उस एडवर्ब को हम लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हिज ड्रेस वॉज रेडी नियरली, नियरली क्या है, एक एडवर्ब है, रेडी क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले हम एडवर्ब को लगाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस मैं काफ़ी कराऊंगा और जितनी भी बुक्स हैं, चाहे वो एसपी बक्सी हो या नीतू सिंह की बुक हो या कोई और सी भी बुक हो, ठीक है, सारी बुक्स के जितने भी सेंटेंसेस हैं, मेन सेंटेंसेस हैं, प्रीवियस के सेंटेंसेस, मैं सारे आपको इन क्लासेस में कराऊंगा। तो इसलिए एग्जांपल सेंटेंसेस की आप चिंता ना करें और आप बेसिक्स बिल्कुल अच्छे तरीके से आप समझने की कोशिश करें। अब आप यहाँ पर देखिए, ही रैन फास्ट ट्रेमेंडसली, ट्रेमेंडसली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब कहाँ आता है, एडजेक्टिव के पहले आता है। तो ही रैन ट्रेमेंडसली फास्ट, फास्ट तो वो दौड़ा लेकिन वो कैसे फास्ट था, ट्रेमेंडसली फास्ट, बहुत ही ज़्यादा फास्ट। तो एडवर्ब जो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है वो इससे पहले हम इसको लगाएंगे। वर्ड इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाई, वर्ड इनफ जो है वो हमेशा बाद में आएगा। देखिए, इट इज हॉट इनफ, हॉट क्या है, एक एडजेक्टिव है, इनफ क्या है, एक एडवर्ब है। तो इनफ एक एक्सेप्शन है जो कि एडजेक्टिव के बाद में आता है। इट इज इनफ हॉट ना बोलते हुए हम बोलेंगे इट इज हॉट इनफ टू मेक यू डिज़ायर एन आइसक्रीम, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पर्याप्त रूप से इतनी गर्मी पड़ रही है जिससे कि आपकी आइसक्रीम खाने की इच्छा होने लगे। तो इट इज इनफ हॉट ना बोलते हुए हम इट इज हॉट इनफ बोलेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू पास SSC एग्जाम, इंटेलिजेंट इनफ बोलेंगे हम, इनफ इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नेक्स्ट देखते हैं, टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में यदि दो नेगेटिव हैं तो वो उस सेंटेंस को गलत कर देते हैं। जैसे यहां पर देखिए, शी डिड नॉट डिस्पाइज नन ऑफ हर क्लासमेट, यहां पर हमने नन भी यूज कर दिया और नॉट भी यूज कर दिया, इसलिए सेंटेंस हो गया आपका गलत। तो इसलिए हम बोलेंगे शी डिड नॉट डिस्पाइज एनी ऑफ हर क्लासमेट, नन की जगह हमने बोल दिया एनी, तो ये सेंटेंस सही हो गया। या हम ऐसे बोल सकते हैं शी डिस्पाइज्ड नन ऑफ हर क्लासमेट, तो ये सेंटेंस आपका सही है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है, डबल नेगेटिव वाला जो रूल है ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है कि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव का प्रयोग जो होता है वो गलत माना जाता है। यहां पर देखिए, एवर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नेवर, यहां पर आपको नेवर का प्रयोग करना है, वहां पर एवर का प्रयोग जो है वो गलत माना जाएगा और सेल्डम के साथ नेवर वर्ड जुड़ता है। मैंने आपको सीट में प्रीवियस स्लाइड में जो आपको शीट बताई थी, जो आपको टेबल बताई थी, उसमें बताया था कि नेवर होता है 0% और सेल्डम होता है 5%, ठीक है। तो सेल्डम और नेवर ये आपस में दोनों भाई भाई हैं और सेल्डम और एवर ये आपस में दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। तो
एक जो व्यक्ति है वो अपने दुश्मन के साथ नहीं रहेगा, वो अपने दोस्त के साथ रहेगा। इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि सेल्डम के साथ हम नेवर का प्रयोग करेंगे, सेल्डम के साथ एवर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सेल्डम और नेवर जो है ये पास पास के वर्ड हैं। नेवर होता है 0% और सेल्डम होता है 5%। तो इसलिए सेल्डम के साथ हम नेवर का प्रयोग करेंगे, सेल्डम के साथ एवर का प्रयोग जो होगा वो गलत माना जाएगा। एल्स, एल्स के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, एल शुड बी फॉलोड बाय बट नॉट बाय अदर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जैसे यहां पर आप ये देखिए, इट इज नथिंग एल्स देन फैटीक। अब देखिए इसको आप ऐसे याद रखिए कि देन जो है वो किसके साथ जुड़ता है, देन जुड़ता है अदर के साथ, अदर देन हम बोलते हैं। यहां पर देन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एल्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि एल्स देन कहना गलत है, इसलिए देन के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड आएगा, क्योंकि देन तो अदर के साथ जुड़ता है, इसलिए देन के स्थान पर आएगा बट। इट इज नथिंग एल्स बट फटीक। फटीक का मतलब होता है थकान, और इसका सेंटेंस का मतलब हुआ ये और कुछ नहीं है फटीक के अलावा। बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, ठीक है, ये थकान को छोड़ के और कुछ नहीं है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। तो बट यहां पर एक प्रपोजिशन है, और बट का मतलब होता है, बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, इसको छोड़ के। और इसको आप याद कैसे रखेंगे, देखिए एल्स देन जैसे ही आए तो एल्स देन को आप पकड़ सकते हैं कि देन किसके साथ जुड़ता है, अदर देन के साथ, और यहां पर क्या दिया है, एल्स दिया है। तो इसलिए एल्स देन को हटा के आप करेंगे एल्स बट। ठीक है, तो ये नीचे वाला सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। नेवर शुड नॉट बी यूज्ड फॉर नॉट, एक्चुअली यहां पर नॉट पढ़िए, नॉट है ये, नेवर को आप नॉट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते, नेवर को आप नॉट के स्थान पर यूज नहीं कर सकते। ये एक रूल है और ये काफी इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए, शी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड हर फ्रेंड नेवर रिकग्नाइज्ड हर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने फ्रेंड से काफ़ी दिनों बाद मिली और उसने अपने फ्रेंड को कभी भी रिकग्नाइज नहीं किया। यदि उसने, नेवर का क्या मतलब होता है, नेवर का मतलब होता है नॉट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर नहीं। तो यदि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसने रिकग्नाइज नहीं किया, उसको पहचाना नहीं, तो वो आपस में फ्रेंड कैसे बन गए। ठीक है, इसलिए नेवर का प्रयोग यहां पर गलत। और यहां पर एक्चुअली ऑथर जो है वो बोलना चाहता है कि वो अपने फ्रेंड से काफी दिनों बाद मिली और उसने उसको पहचानने से इनकार कर दिया। तो सही सेंटेंस होगा, शी मेट हर फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर। ठीक है, इसको इस तरीके से हम करेंगे। तो नेवर का प्रयोग गलत है और डिड नॉट का प्रयोग जो होगा वो यहां पर सही होगा। एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, देखिए यदि किसी एडवर्ब को यदि आप ग्रुप ऑफ वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो होगा वो एडवर्ब फ्रेज होगा। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे यहां पर आप देखिए, दे टॉक्ड अबाउट द इशू सीरियसली, दे टॉक्ड अबाउट द इशू सीरियसली, मतलब उन्होंने उस इशू के बारे में सीरियसली चर्चा की। अब सीरियसली क्या है, अपने आप में एक वर्ड है, और इसी एक वर्ड को मैं कई सारे वर्ड से, दो या तीन वर्ड से रिप्लेस कर दूं तो वो क्या होगा, वो होगा एडवर्ब फ्रेज। दे टॉक्ड अबाउट द इशू विद ए सीरियस कंसिडरेशन, तो सीरियस कंसिडरेशन जो होगा ये होगा एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि इसको मैंने सीरियसली से रिप्लेस कर दिया। तो ये होता है एडवर्ब फ्रेज। और एक होता है एडवर्ब क्लॉज, इसमें हम जो एडवर्ब होता है उसको हम एक क्लॉज से रिप्लेस कर देते हैं। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज आप मान सकते हैं कि सेंटेंस का ही एक पार्ट होता है। एक बड़े सेंटेंस में एक छोटा सेंटेंस और जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो जो छोटा सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं क्लॉज। अब सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस वर्ड का ऐसा समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। तो क्लॉज क्या होगा, क्लॉज एक छोटा सेंटेंस होगा, लेकिन इस छोटे सेंटेंस में भी उसका खुद का एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा, ठीक है, तो वो होता है क्लॉज। अब देखिए, ही बिहेव्स एक्सपेक्टेडली, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मतलब इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही बिहेव्स एज वन माइट एक्सपेक्ट हिम टू डू, वह इस तरीके से बिहेव करता है जैसे कि कोई उससे उम्मीद करता है। तो इसमें वन क्या है, एज वन, वन एक्चुअली एक प्रोनाउन होता है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, यानी
ये जो हुआ, ये पार्ट जो हुआ, ये हुआ इसका एडवर्ब क्लॉज। ये एडवर्ब है और ये है आपका एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। तो इस तरीके से ये एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज भी मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस अब हम देख लेते हैं। द बेबी स्लेप्ट इन इट्स मदर लैप क्विकली, ठीक है। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, मतलब बच्चा जो है वो अपनी माँ की गोद में जल्दी से सो गया। तो क्विकली क्या है? सो कैसे गया? वो जल्दी से सो गया, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये वर्ब के बाद आते हैं, एमपीटी जो है वो वर्ब के बाद आता है, और फ्रिक्वेंसी वाले जो सेंटेंस हैं वो सब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो द बेबी स्लेप्ट क्विकली इन इट्स मदर्स लैप, इस तरीके से ये सेंटेंस आपका बनेगा। ही लाइटली टुक द मैटर, उसने मैटर को कैसे लिया? उसने मैटर को लाइटली लिया, यानी ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। और एडवर्ब ऑफ मैनर जो होते हैं वो या तो वर्ब के बाद आएंगे, और वर्ब के बाद यदि ऑब्जेक्ट भी है तो वो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों के बाद उनका प्रयोग होगा। ही टुक, टुक क्या है? वर्ब है, और मैटर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर हम लाइटली का प्रयोग करेंगे, मतलब लाइटली का प्रयोग इसमें एंड में होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस और देखते हैं। शी कुड नॉट फाइंड हर हस्बैंड्स वॉलेट नो वेयर इन द हाउस, कुड नॉट भी हमने लगा दिया इसमें, और यहाँ पर नॉट लगा दिया हमने, यहाँ पर भी नॉट लगा दिया। नो वेयर मतलब कहीं पर भी नहीं, नो वेयर एक्चुअली एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है कहीं पर भी नहीं। तो ये हो गया आपका डबल नेगेटिव, और डबल नेगेटिव जो होते हैं वो गलत माने जाते हैं। तो इसका सही सेंटेंस होगा शी कुड नॉट फाइंड हर हस्बैंड्स वॉलेट एनी वेयर, नो वेयर की जगह हम लगाएंगे एनी वेयर इन द हाउस। आगे देखिए सेंटेंस, दिस हार्डली वन लिबर्टी इज नॉट टू बी लाइटली अबेंडेंट, मतलब इस आज़ादी को जिसने, जिसको हमने मेहनत से प्राप्त किया है, उसको उसको ढीले ढाले तरीके से छोड़ा नहीं जा सकता। तो लाइटली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये एवेंडन के बाद आएगा क्योंकि इसको हम वर्ब के बाद लगाते हैं। और यहाँ पर हम हार्डली वन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम बोलेंगे हार्ड वन, क्योंकि हार्डली वन का मतलब होगा मुश्किल से जीता हुआ, जबकि हार्ड वन का मतलब होगा मेहनत से जीता हुआ। तो हमने जो लिबर्टी प्राप्त की है वो मेहनत से प्राप्त की है, मेहनत से जीती हुई है। तो इस सेंटेंस में एक्चुअली दो गलतियां हैं, हार्डली वन की जगह हार्ड वन होगा, और लाइटली जो होगा ये अबेंडन के बाद में इसका प्रयोग होगा। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हैं। तो ये एडवर्ब का पार्ट वन था, इसके आगे के जो पार्ट हैं थोड़े से और एडवांस लेवल के हैं, और थोड़े से और एग्जाम्पल्स के साथ जो हैं वो आगे आएंगे, और उनको भी आप इस वीडियो कोर्स में देख पाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।